हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 मार्च 2023 और 6 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे ही क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में और उन्हें मेमोराइज करने में आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एलिस बियालियास की हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2022 वॉज सेंटेंस टू 10 ईयर इन प्रिजन। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले एलिस बियालियास की को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वो किस देश से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेलारूस। वो किस कंट्री से थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलारूस से। अ कोर्ट इन बेलारूस ऑन 3 मार्च सेंटेंस 2022 नोबेल पीस प्राइज विनर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलिस बियालियास्की टू 10 ईयर्स इन प्रिजन फॉर फाइनेंसिंग प्रोटेस्ट एंड अदर क्राइम्स। सो एक कोर्ट है जो है बेलारूस में, उन्होंने 3 मार्च को 2023 के 2022 नोबेल पीस प्राइज विनर और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, जिनका नाम है एलिस बियालियास्की, उनको 10 साल की प्रिजन की सजा यानी कि जेल की सजा सुनाई है। किसके लिए? फाइनेंसिंग प्रोटेस्ट और अदर क्राइम्स के लिए। ही हैज बीन गिवन दिस सेंटेंस इन द केस ऑफ एक्टिविटीज डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, फाइनेंसिंग एंड स्मगलिंग एंड फाइन ऑफ 65,000 US डॉलर्स। उन पे एक फाइन भी, चार्ज भी लगाया गया है 65,000 US डॉलर्स का। ही इज द को फाउंडर ऑफ द वियतनाम ह्यूमन राइट ग्रुप्स। इन अक्टूबर 2022 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के काम के ऊपर उन्हें नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड मिला था। कब? अक्टूबर 2022 में। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द बैंगलोर सेफ सिटी प्रोजेक्ट? बैंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अमित शाह। ये उद्घाटन जो है अमित शाह ने किया है। द यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ऑन 3 मार्च 2023 इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द बैंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन बैंगलुरु, कर्नाटका। सो जो हमारे यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर है, जिनका नाम है अमित शाह, उन्होंने 3 मार्च 2023 को फर्स्ट फेज ऑफ बैंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। कहाँ पे? बैंगलुरु कर्नाटका में। द प्रोजेक्ट इज एनविसाज्ड अंडर निर्भया स्कीम टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन इन बैंगलुरु सिटी। एनविसाज्ड का मतलब होता है टू इमेजिन। ये इसको इस प्रोजेक्ट को इमेजिन किया जा रहा है निर्भया स्कीम के अंडर, जिसके अंतर्गत सेफ्टी ऑफ वुमेन जो होगी बैंगलुरु सिटी में देखी जाएगी। अंडर द प्रोजेक्ट ऑडियो विजुअल सिस्टम्स, ड्रोन्स, CCTVs एंड एमरजेंसी कॉल बॉक्सेज आर इंस्टॉल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी। Which city will host Civil 20 C20 Inception meeting from 20 to 22nd of March 2023? 20 से 22 मार्च 2023 तक कौन सा शहर Civil 20 यानी कि C20 स्थापना बैठक की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नागपुर। नागपुर इसकी मेजबानी करने वाला है। द इंसेप्शन मीटिंग ऑफ Civil 20 दैट इज C20 A working group of the G20 summit will be organized in Nagpur, Maharashtra from 20 to 22nd of March 2023. So, जो inception meeting है Civil 20 की, वो एक working group of G20 summit के द्वारा organize की जाएगी। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में 20 से 22 मार्च 2023 तक। 60 representatives of G20 countries of various civil society organization will participate in this conference. मतलब अबाउट की बात करें, मतलब लगभग 60 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20 कंट्रीज के, जो अलग अलग वेरियस सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इट विल बी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल लीडर माता अमृत आनंदमयी। रिसेंटली सत्यव्रत मुखर्जी पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? हाल ही में सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पॉलिटिक्स। उनका संबंध किससे था? पॉलिटिक्स से। सत्यव्रत मुखर्जी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी दैट इज BJP पास्ड अवे ऑन 3 मार्च 2023 इन कोलकाता। सत्यव्रत मुखर्जी डाइड एट एन एज ऑफ 90 ड्यू टू ओल्ड एज एलिमेंट्स। ही वॉज ऑल्सो नोन एज जोल बाबू,
विद इन द बीजेपी, बंगाल बीजेपी. वेयर विल बी द एमएसएमईज इंडस्ट्रीज फेयर एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ आयोजित होगा एमएसएमई का उद्योग मेला और प्रदर्शनी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इन कोटा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई नारायण राणे ऑन 4 मार्च 2023 विल इनॉग्रेट द एमएसएमईज इंडस्ट्री फेयर एंड एग्जीबिशन इन कोटा, राजस्थान. तो जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला और यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं नारायण राणे, वो 4 मार्च 2023 को इनॉग्रेट कर चुके हैं एमएसएमई इंडस्ट्री फेयर एंड एग्जीबिशन, जो हुआ था कहाँ, कोलकाता राजस्थान में. इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज एमएसएमई के द्वारा. द फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द एल एस स्पीकर ओम बिरला एंड मोर देन 125 स्टॉल्स आर बींग सेटअप. सो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इनिशिएटिव मतलब इन्होंने पहला कदम लिया था कि इन्होंने ओम बिरला ने, और नियरली 135 125 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं. विच मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू बैन सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी हॉल मार्क्ड विदाउट 6-डिजिट कोड? किस मंत्रालय ने 6 अंक के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन द सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विद गोल्ड एटिफैक्ट्स हॉलमार्क्ड विदाउट 6-डिजिट कोड फ्रॉम अप्रैल 2023. सो अप्रैल 2023 से जो भी हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदेंगे उसमें अगर 6-डिजिट कोड नहीं होगा, 6-डिजिट कोड हॉलमार्क जो ज्वेलरी होती है वो नहीं होगी, उस वैसी ज्वेलरीज को बेचने पर गवर्नमेंट ने बैन लगाने वाली है. गोल्ड हॉलमार्किंग इज अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रेसियस मेटल. सो जो गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है. सो अगर उस पर हॉलमार्क है यानी जो 6-डिजिट कोड है, उससे हमें पता चलता है कि वो जो सोना है वो कितना प्योरिटी है, मतलब उसमें कितना अच्छा सोना है वो. युवा उत्सव इंडिया एट रेट 2047 वॉज लॉन्च एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट? युवा उत्सव भारत एट रेट 2047 को निम्नलिखित में से किस स्थान में लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज IIT रोपार. यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च द यूथ फेस्टिवल इंडिया एट द रेट फॉर 2047 फ्रॉम रोपर इन पंजाब ऑन 4 मार्च. ही लॉन्च द डैशबोर्ड ऑफ द युवा उत्सव ड्यूरिंग द इवेंट. इन द फर्स्ट फेज टू सेलिब्रेट यूथ पावर, यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज इन 150 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री टिल 31st ऑफ दिस मंथ, यानी कि 31 मार्च तक इसको आयोजित किया जाएगा. कहाँ? 105 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री. द डिस्ट्रिक्ट लेवल विनर्स विल पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल विच इज़ अ 2-डे इवेंट टू बी हेल्ड इन द स्टेट कैपिटल्स ड्यूरिंग ऑगस्ट टू सेप्टेम्बर 2023. विच बैंक हैज़ कमिटेड $1 बिलियन टू इंडिया फ्रॉम पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन का वचन दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वर्ल्ड बैंक. द वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया हैव साइंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स ऑफ $500 मिलियन ईच टू सपोर्ट एंड एनहांस द कंट्रीज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जो वर्ल्ड बैंक है और इंडिया, इन्होंने 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन साइन किए हैं $500 मिलियन ईच के, जिससे कि सपोर्ट एंड एनहांस होगा कंट्री के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे. थ्रू दिस कम्बाइंड फाइनेंसिंग ऑफ $1 बिलियन अबाउट 8,200 करोर्स, द बैंक विल सपोर्ट इंडियाज फ्लैगशिप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMAVHIM. वन ऑफ द लोन्स विल प्रायोरिटाइज हेल्थ सर्विस डिलीवरी इन 7 स्टेट्स. फर्स्ट एवर विमेन प्रीमियर लीग बिगैन एट विच प्लेस? पहली बार महिला प्रीमियर लीग किस स्थान पर शुरू हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इन नवी मुंबई. द वुमेन्स प्रीमियर लीग
WPL 2023 with five टीम्स बिगैन 4th of March 2023 इन नवी मुंबई। कम 4 मार्च 2023 को कितनी टीम्स के साथ? पांच टीम्स के साथ। आफ्टर इयर्स ऑफ वेटिंग एंड प्लानिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दैट इज BCCI हैज़ लॉन्च द T20 फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट लीग फॉर वुमेन ऑन द लाइन्स ऑफ द पॉपुलर इंडिया प्रीमियर लीग। फर्स्ट मैच बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड गुजरात जायंट्स विल बी प्लेड एट द DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई ऑन 4th of March। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलो वुमेन्स का मैच तो हो रहा है एक क्रिकेट का, लेकिन पहला मैच कहाँ खेला जाएगा, कौन से स्टेडियम में, कितनी तारीख को, कौन सी दो टीम्स के बीच में। ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अपने सेल्फ मेड नोट्स बना रहे तो ये पॉइंट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। द टूर्नामेंट फाइनल विल बी प्लेड एट द बेबॉर्न स्टेडियम ऑन मुंबई ऑन 26th of March। जो फाइनल मैच जो खेला जाएगा वो बेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा मुंबई में, कब? 26 मार्च को। वेन इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे? विश्व मोटापा दिवस कब है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑन 4th of March। वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th of March ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हम 4 मार्च को हर साल पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ओबेसिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2023 इज चेंजिंग व्यूज, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, चेंजिंग एटीट्यूड्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। सो 2023 की थीम क्या थी? चेंजिंग व्यूज, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। द पर्पस ऑफ दिस थीम इज टू ओवरकम द मेनेंस ऑफ द प्रेजुडिस टू कॉपरेट पीपल एंड टू मोटिवेट देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। According to a 2035 report by the World Obesity Federation, World Obesity Federation on the World Obesity Day, the world's population may be the victims of earlier. Who has been appointed as the new chief coach of Indian men's hockey team? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज क्रेग फुल्टन। क्रेग फुल्टन को न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम के तौर पे नियुक्त यानी कि अपॉइंट किया गया है। हॉकी इंडिया हैज अपॉइंटेड क्रेग फुल्टन ऑफ साउथ अफ्रीका एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेन हॉकी टीम। सो इन जो हॉकी टीम है इंडिया की, उन्होंने क्रेग फुल्टन को, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, उन्हें न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम के तौर पर नियुक्त किया है। Craig Fulton will replace Graham Reid, who resigned in January 2023 following India's poor performance in the World Cup. So, World Cup के दौरान जो है इंडिया की poor performance की वजह से Graham Reid ने January 2023 में resign कर दिया। इसलिए अब Craig Fulton उनकी जगह लेने वाले हैं और new head coach बनने वाले हैं। Craig Fulton represented South Africa at the Atlanta 1996 and Athens in 2004 Olympics and earned 195 international caps in a career spanning more than a decade. He also won FIH Coach of the Year 2015 while with the Irish team. Recently, RBI has imposed और रुपीज 3.06 crores पेनल्टी ऑन विच ई कॉमर्स कंपनी। हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 crores रुपए का जुर्माना लगाया है? इट इज वेरी क्लियर विद द इमेज दैट करेक्ट आंसर इसका है अमेजोन पे। अमेजोन पे पे पेनल्टी लगी है कितने की? 3.06 crores की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी of rupees 3.06 crores on Amazon Pay India Private Limited for non-compliance of certain direction related to prepaid payment instruments and know your customer. The penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI under the Section 30 of the Payment and Settlement System Act 2007. It was found that Amazon Pay India was not complying with the directions issued by the RBI on KYC requirements. So at the end of the session, there is a homework question for you. Iska jawab aap mujhe niche comment section mein zarur dijiyega. First ever women's Premier League began at which place?
पहली बार महिला प्रीमियर लीग किस स्थान पर शुरू हुई? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ क्विज के लिए DCA इंडो क्विज चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे में हम बहुत ही जल्दी क्विज जो है वो चालू करने वाले हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे सेशन में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। और वीडियो का टारगेट जो है 350+, इसको जरूर पूरा कीजिएगा। बाय, हैव अ वंडरफुल डे।